राष्ट्रीय राजमार्ग 3 ग्राम जामनिया में अचानक चलती ट्रक बंद होने से स्टीयरिंग लॉक हो गया, जो डिवाइडर पर जाकर टकरा गया और ट्रक पलटी खा गया। ट्रक चालक वाहिद निवासी कानपुर देहात ने बताया, ग्राम जामनिया में सुबह 3 बजे के करीब ट्रक क्रमांक UP78GN4586 में नासिक और मौलेगांव से अनार और स्टील की रॉड भरकर कानपुर और झांसी जा रहे थे। तभी चलती ट्रक अचानक बंद होने से स्टेयरिंग लॉक हो जाने से ट्रक डिवाइडर पर पलटी हो गई, जिसमें मामूली चोट आई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं डिवाइडर पर ट्रक पलटने से रोड के दोनों साइड के एक एक लाइन बंद हो गई थी, एक एक लाइन चालू है। बिजासन पुलिस ने मौके पर पहुंच ट्रक चालक के हाल जाने। ट्रक चालक ने बताया कि मामूली चोटें आई। बिजासन से सचिन जायसवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है? वहीद खान। कहाँ के हो? कानपुर देहात के। ये आपका ट्रक पलटी हुआ है, क्या भरा है और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अनार भरा और पाइप भरा है रेलवे का। कहाँ से भरा हुआ है? नासिक और मालेगांव से। कहाँ जा रहे हो? कानपुर और झांसी। पलटी कैसा हुआ ट्रक? गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। हाँ। बंद होने पे स्टीयरिंग कटी नहीं, सीधे ही चली गई। किसी को चोट आई है? नहीं, किसी को मामूली चोट है, ज्यादा जास्ती चोट नहीं। कब हुआ था घटना? रात में 3:15 पे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।